हेलो गाइस, मैं अर्जुन, मेरे चैनल एके गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, इस बढ़ती गर्मी में, इस बढ़ती धूप में हम अपने प्लांट का केयर किस प्रकार से कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे कुछ प्लांट्स हैं, ये इंडोर प्लांट्स हैं दोस्तों। देखेंगे पुराने पत्ते कितने अच्छे हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये जो ये नए पत्ते आए हुए हैं वो थोड़े जल से गए हैं, वो सनलाइट की वजह से, गर्मी की वजह से है। अब गर्मी बढ़ चुका है तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं, ऐसे जो प्लांट के जो पत्ते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको कुछ फर्टिलाइज़र बताऊंगा दोस्तों। वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ना। वैसे तो गर्मी में रासायनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मैं वो आपको फर्टिलाइज़र दिखाता हूँ। ये है दोस्तों, देख सकते हैं, ये है बॉर्न मिल्क, जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, जो कि समुद्री जीवों से बनी होती है। और एक है सागरिका, वो भी समुद्री शैवाल से बनी हुई होती है। तो हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसको गमले में दो दो चम्मच के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे, उसके बाद हम वाटरिंग करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जो कि बॉर्न मिल है उसमें फास्फोरस होता है, जो कि जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो सागरिका है वो उसमें ना सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, सभी चीज़ पाए जाते हैं जो एक प्लांट को अच्छे ग्रोथ के लिए चाहिए। इसको आप थोड़ा अधिक भी डाल दे तो प्लांट खराब होने के टेंशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह ऑर्गेनिक होते हैं। देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको थोड़े थोड़े डाल देने हैं। मैं हाथ में ही डाल रहा हूँ, आप दो दो चम्मच के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ये अधिक भी हो गया तो पौधे खराब होने वाले नहीं है। ऐसा भी गर्मी का दिन है दोस्तों, आप दिन में दो बार वाटरिंग बिल्कुल कर सकते हैं प्लांट में। ये इंडोर प्लांट है तो आप इंडोर प्लांट को बिल्कुल इंडोर ही रख दें। देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, मैं इसके रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इंडोर प्लांट को आप इंडोर ही रखें, आउटडोर प्लांट है उसको भी आप हो सके तो ग्रीन नेट के नीचे रखें, बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी के दिनों में ग्रीन नेट के नीचे प्लांट अच्छे ग्रो होते हैं। और इसके बाद हम वाटरिंग करेंगे दोस्तों, ताकि यह अच्छे से घुल जाए। सागरिका जो मैंने दानेदार सागरिका का प्रयोग किया है वो इतना जल्दी नहीं घुलता, 2 से 3 दिन बाद घुलता है दोस्तों। देख सकते हैं हम वाटरिंग कर रहे हैं। इंडोर प्लांट में भी आप बेहिचक इस चीज़ को डाल सकते हैं, इससे प्लांट बिल्कुल नहीं खराब होंगे, क्योंकि ये रासायनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। अब एक मैं बात करूं दोस्तों, तो आप मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं गर्मी के दिनों में, ताकि मिट्टी जल्दी सूखे ना। नारियल के छिलकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी उसमें डाल दें, जिससे मिट्टी जल्दी सूखेगा नहीं। आप दिन में दो बार वाटरिंग कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। प्लांट को और केयर रखने के लिए हो सके तो दोस्तों, मिट्टी को कुरेदते रहिए ताकि अंदर ऑक्सीजन हवा जाते रहे अच्छे से, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो, क्योंकि गर्मी में मिट्टी भी गर्म हो जाते हैं। अगर आप उसे कुरेदते रहेंगे तो मिट्टी भी उससे अच्छी बनी रहेगी, हवा अच्छे से अंदर जाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, आप ज़रूर इस खाद का प्रयोग करिए अपने गार्डन में। सागरिका और बॉर्न मिल की आसानी से कोई भी फर्टिलाइज़र दुकान में मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पर कृषि केंद्र होते हैं वैसे दुकान में आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी। ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरे क्रोटोन का प्लांट है, इसको मैं रिपोर्टिंग करूँगा दोस्तों अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।